सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी की सियासी गलियारों की बड़ी खबर के साथ। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने बैठक की जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी पर चर्चा की गई। वहीं 14 हारी सीटों को जिताने की रणनीति बनाई गई। बता दें ये बैठक लोकसभा के प्रभारियों के साथ की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में भाजपा के सभी 80 सीट जीतने के लक्ष्य पर मंथन हुआ। बता दें सुनील बंसल पर हारी सीटों पर जीत दिलाने का जिम्मा है। विशेष ध्यान दिया जा रहा है 14 सीटों के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। बता दें ये बैठक लोकसभा के प्रभारियों के साथ की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में भाजपा के सभी 80 सीट जीतने के लक्ष्य पर मंथन हुआ। और इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हम जुड़ेंगे। गौरव, भाजपा का मिशन 80 शुरू हो गया है, बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई गई? देखिए नहीं, बैठक इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखना चुनाव महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव भी 5 अगस्त के अलावा आम चुनाव अगले साल है, उसके लिए बीजेपी कोई घोषणा करना नहीं चाहती है और तैयारी दौर शुरू है। हालांकि दौर केवल आज की बात नहीं, इससे पहले भी लगातार बैठक का दौर जारी है, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण है क्योंकि रास्ता उत्तर प्रदेश का होकर ही जाता है और यहाँ पर 80 सीटों पर अगर आपने अगर बेहतर प्रदर्शन कर लिया तो से हम यहाँ पर मोदी सरकार की हैट्रिक बढ़ाई जा सकती है, ऐसा बीजेपी का थिंक टैंक का सूचना है। उसके चलते यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है। आज भी राष्ट्रीय महामंत्री अभी हाल में संगठन मंत्री से प्रणत होकर वहां पर राष्ट्रीय महामंत्री बने सुनील बंसल भी आज लखनऊ में थे, उनके साथ लोकसभा प्रभारियों के साथ साथ संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश भूपेंद्र चौधरी सभी पदाधिकारी साथ बैठक हुआ। यहाँ पर यह हो सकता है कि नए चैनल को यहाँ सर्दी भी मिले। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोगों के जो पद है फेरबदल भी यहाँ पर होगा और जिम्मेदारी प्रतिक्रिया की जाएगी। और इसके अलावा जो तमाम सीटों पर जिन पे हारे हैं उसका विश्लेषण होगा। इसके अलावा जिन पर कम अंतर जीते हैं या जहाँ पर उम्मीद कर सकती है कि शायद वहां पर दिक्कत हो सकती है या बड़ी चुनौती मिल सकती है, उस पर चर्चा भी होगी। महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर आज बैठक में लिए जाएंगे और जल्दी जो नई टीम है भूपेंद्र चौधरी की उसकी घोषणा भी बैठक के माध्यम से हो सकती है। गौरव, कहा जा रहा है 14 हारी सीटों को जिताने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई? देखिए अगर बात करें रणनीति, जो यहाँ पर रणनीति बीजेपी की सबसे जो होती है वो होती है पन्ना प्रमुख की होती है और ये पन्ना प्रमुख की भूमिका केवल उत्तर प्रदेश में गुजरात को शुरू होती चली आई है और उत्तर प्रदेश में उसी के तहत यहाँ पर पन्ना प्रमुख की भूमिका भी रखी जा रही है बूथ क्षेत्र में। और बीजेपी की अगर बात करें उनकी मजबूती की तो वो बूथ स्तर तक मजबूत है, उसी चलते यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करते चले आए और विपक्ष के लिए यहाँ पर फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आती है। कोटा की बात करें, 17 की 19 की बात करें, 22 की बात करें तो लगातार बीजेपी का यहाँ पर परचम जारी है। उत्तर प्रदेश की भूमिका यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण रही है। राष्ट्रीय अगर केंद्र सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर जाना है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जा रहे हैं। यहाँ पर भी यही उम्मीद जगह सकती है कि किस तरह रणनीति बेहतर करना है, यहाँ पर रणनीति बात करें किस तरह रोड शो करना है, जनता के विवाद कैसे पहुंचानी है, चौपालों का यहाँ पर आयोजन भी होगा। इसके अलावा जो पुराने चेहरे हैं उनको प्रणत किया जाएगा, जो नए चेहरे उनको तरजीह दी जाएगी। बीजेपी की हमेशा व्यवस्था रही है कि हर कार्यकर्ता को अगर वो मेहनत करता है उसको तरजीह मिलने चाहिए, उसको एक नया मौका मिलता है अपने आप को प्रदर्शन करने का और अपनी क्षमता दिखाने का। तो तमाम नए चेहरों को यह उम्मीद है कि यहाँ पर जगह जगह जो पुराने चेहरे हैं उनको यहाँ से फेरबदल किया जाएगा या फिर उनको भी प्रणत किया जाएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी। जी गौरव, अगर देखें तो सुनील बंसल पर हारी सीटों पर जीत दिलाने का जिम्मा है, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है इस भरोसे पर कितना खरे उतरेंगे सुनील बंसल? देखिए सुनील बंसल ऐसा नाम है जिसने लगातार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में परचम लहराने का काम किया है। अगर बात करें 14 चुनाव की उस पर सुनील बंसल से, अगर बात करें 19 चुनाव की सुनील बंसल से, उसकी बात करें 17 चुनाव की सुनील बंसल का जो काम रहा है बेहतर रहा है, उस काम के माध्यम से लगातार उन्होंने बीजेपी को यह लाभ पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी तैयारी
श्री मनसा को राष्ट्रीय महामंत्री के रूप बनाया गया, पर उनकी उत्तर प्रदेश में खासा का अनुभव रहा है, तो खासा अनुभव चलते श्री मनसा तो यहाँ जो दारोमदार दोबारा रहेगा, और उनको कहा गया है जहाँ सीटें हारे हैं वहां पर ध्यान देना है, और जहाँ पर कम अड़सठ सीटें हैं वहां पर ध्यान है, कुल मिलाकर 14 सीटें जहाँ पर बीजेपी कुछ जगह हारी भी है, कुछ जगह कम चुनौती कर पाई है, और सीटों को मजबूत करना है, उसके तरह चुनाव लड़ना है कि आने वाले समय में बीजेपी उत्तर प्रदेश सही बेहतर प्रदर्शन कर। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। योगी आदित्यनाथ सरकार के माफिया को मिट्टी में मिलाने की सदन में शपथ लेने के बाद प्रयागराज प्रशासन और पीडीए एक्शन मोड में है। आज धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया इलाके में सफदर अली के मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। सफदर अली ने उमेश पाल हत्याकांड में असलहे उपलब्ध कराए थे। बता दें 300 वर्ग गज के आलिशान मकान को पीडीए ध्वस्त कर रहा है। आलिशान मकान की कीमत करीब 4 करोड़ आकी गई है। जेसीबी व पोकलैंड मशीनों के साथ पीडीए की टीम आरोपी के घर पहुंची और घर के अंदर रखा कीमती सामान बाहर निकाला। उम्मीद जताई जा रही है कि नामजद शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम हसन की संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। वैसे बाहुबली अतीक के करीबी नफीस अहमद का ईट ऑन बिरयानी सेंटर भी सरकारी अमले के निशाने पर है। जांच एजेंसी अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। कई लोगों को अब भी हिरासत में रखा गया है। इस खबर पर प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन पटेल हमसे जुड़ेंगे। पवन, योगी का मिट्टी में मिलाने वाला एक्शन चल रहा है, सफदर के मकान पर बुलडोजर चल रहा है। जी बिल्कुल मयूरी, जिस तरीके से बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिनदहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था इस घटना में आरोपी सभी जितने इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बीते कल से ही प्रयागराज पुलिस व पीडीए की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अगर आज की बात की जाए तो करेली थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड पर सफदर नाम के आरोपी के 2 मंजिला मकान को पीडीए की टीम ने जमींदोज कर दिया। सफदर के ऊपर आरोप है कि अतीक एंड कंपनी को सफदर असलहे उपलब्ध कराता है। हालांकि जिस तरीके से आज पीडीए की टीम ने 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया है, जमींदोज करने से पहले लगातार यहां पर पीडीए की टीम ने इस पूरे घर के कागजात को देखा है, जांच पड़ताल की। इसमें पाया गया कि इस पूरे मकान को बिना पीडीए से नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया था। पीडीए की टीम ने पहुंची है तो उसके पहले सारे घर के जितने भी जरूरी सामान थे उनको बाहर निकाला गया है और पोकलैंड मशीनों के द्वारा 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सदन में कहे गए कि मिट्टी में मिला देंगे, इन शब्दों को जमीनी स्तर पर प्रयागराज में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बीते कल से ही लगातार प्रयागराज की पुलिस और पीडीए की टीम आरोपियों के घर को जमींदोज करने पर जुटी हुई है। अगर सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में और बड़ी भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि जांच एजेंसियों द्वारा करीब 50 से अधिक लोगों को उठाया गया है और पूछताछ की जा रही है। जी मयूरी, पवन कहा जा रहा है नामजद शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम हसन की संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। बिल्कुल, पीडीए के जो अधिकारी है वो लगातार इस घटना में शामिल सभी आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, उनके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं उनकी पूरी फाइलें खोल दी गई हैं। जल्द ही कहा जा रहा है कि प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई और देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज जिस तरीके से सफदर के इस मकान को गिराया गया है इसकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ के आसपास की बताई गई है, और लगातार जो पीडीए की टीम है जितने भी आरोपी हैं उनके बारे में जानकारी जुटा रही है, उनके जितने भी मकान है जो भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी पवन, आप मौके पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे दर्शकों को आप तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल मयूरी, आज सुबह से ही 3 मशीनें पहले इस घर को गिराने के जद्दोजहद में जुटी थी। हालांकि काफी देर बाद जब यह मकान नहीं गिरा तो यहाँ पे पोकलैंड मशीन बुलाई गई और ये जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे अभी कुछ ही घंटों पहले एक खूबसूरत सा मकान यहाँ पे दिख रहा था जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ के आसपास की बताई गई है, और कुछ ही घंटों में पीडीए की टीम द्वारा इस खूबसूरत से मकान को जमींदोज कर दिया गया है। पूरी तरीके से देखिए ये मलबे में तब्दील हो गया है। कहा जा रहा है कि ये आरोपी समदर अली का मकान है जिसके ऊपर आरोप है कि अतीक एंड कंपनी को यह आरोपी असलहे उपलब्ध कराता है, और लगातार ये जो
कार्रवाई है वो पीडीए की टीम अभी भी कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी आरोपी शामिल हैं उनके ऊपर भी पीडीए की टीम लगातार अपनी नजरें बनाए हुए है और जल्दी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी मयूरी, बुलडोजर की कार्रवाई से पहले कितने मकान आसपास के खाली करवाए गए, कैसा माहौल देखने को मिला? हालांकि एक और मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये तस्वीर देखिए, ये ठीक बगल का मकान है और इस मकान में काफी क्षति हुई है। देखिए सामने कुछ अधिवक्ता लोग खड़े हैं जो जिनका मकान है, तस्वीरों में दिख रहा होगा कि यहाँ पे किस तरीके से बगल का जो दूसरा मकान है उसमें भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। तमाम ऐसी चीजें उनकी टूटी हुई है जिनको लेके वो पीडीए के अधिकारियों से उन्होंने वार्ता की है। हालांकि अभी तक इनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला है कि इनके क्षतिग्रस्त मकान को किस तरीके से ठीक करवाया जाएगा। और तमाम ऐसे जो तस्वीरें देखिए कि आप पीछे दिख रहे होंगे, पीछे जो मकान है उसमें भी हल्की सी कुछ दरारें देखने को मिली है। हालांकि आसपास के जो मकान है उनको यहाँ पर पुलिस टीम द्वारा खाली करवाया गया था और लोगों को एहतियातन कहा गया था कि वो अपने घरों से बाहर रहे, लेकिन जिस तरीके से कुकलैंड मशीन से इस घर को गिराया गया है तो आसपास के मकानों में भी कमियां देखने को मिली है। और ये जो मकान के मालिक है ये पीडीए की अधिकारियों से इन्होंने वार्ता की है, हालांकि इनको अभी तक ये संतोषजनक जवाब नहीं मिला है कि इनके जिस तरह के नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से होगी। जी मयूरी, पवन अगर देखें तो प्रयागराज में कल भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी और आज भी हो रही है, तो ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है कब तक चलेगी प्रयागराज में? चूंकि पूरा घटनाक्रम बीते 24 फरवरी से शुरू हुआ जब एमपीएमएलए कोर्ट से निकले राजू पाल को हमलावरों ने पहले से घात लगाए, हमलावरों ने गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कड़े शब्दों में कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी आरोपी शामिल हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और बीते कल से ही पीडीए की टीम की लगातार कार्यवाही सामने देखने को मिल रही है, तो तस्वीरें देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहे गए शब्द जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं और ये अपराधियों के लिए एक बड़ा संदेश भी बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है लगातार पुलिस प्रशासन के ऊपर इस घटना के बाद सवालिया निशान खड़े हुए थे कि आखिर भरे बाजार में उमेश पाल को किस तरीके से हमलावरों ने गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी अतीक एंड कंपनी से जाकर जुड़ी और अतीक एंड कंपनी के जितने भी करीबी हैं, जितने भी उनके जानने वाले लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है उसको पुलिस टीम ने लगातार सर्च किया। 50 से अधिक लोगों को अभी तक उठाया गया है अलग अलग स्थानों से, उनसे पूछताछ की जा रही है। आज जिस मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, आरोप है कि इस मकान का मालिक सफदर अतीक एंड कंपनी को असलहे उपलब्ध कराता था और पीडीए की टीम ने आज इस करीब 4 करोड़ कीमत के मकान को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। जी मयूरी, पवन इस पूरे मामले की शुरुआत प्रयागराज से हुई है और वहीं बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, और ये बुलडोजर की कार्रवाई किन शहरों में हो सकती है? चूंकि अतीक एंड कंपनी के कई अन्य प्रदेशों और शहरों में भी तार जुड़े हुए हैं और जितने भी आला अधिकारी हैं अतीक एंड कंपनी के जितने करीबी हैं उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। कयास लगाया जा रहे हैं कि प्रयागराज सहित कई अन्य प्रदेशों में भी अतीक एंड कंपनी की अवैध संपत्तियां हैं जिनको पुलिस की टीमें लगातार खोज रही है और कहा जा रहा है कि उस पर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो हालांकि पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से लगातार अभी तक कार्रवाई हुई है तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक एंड कंपनी को लेकर पुलिस टीम पूरी तरीके से सक्रिय है और बड़ी कार्रवाई वो जरूर सामने मिलेगी। जी मयूरी। जी पवन, हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे दर्शकों को पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल, एक बार और ये तस्वीर दिखा हम किस तरीके से देखे। यहाँ पे अभी कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर एक 2 मंजिला मकान था जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास की आंकी गई है और ये मकान सफदर अली का बताया गया है। सफदर अली पर आरोप है कि सफदर अली अतीक एंड कंपनी को असलहे उपलब्ध कराता है। इसी को लेकर पुलिस टीम को यहां से इनपुट मिले, पुलिस टीम ने जब जांच पड़ताल की तो पीडीए को यहां से ये मिला कि ये पूरा मकान बिना नक्शा पास कराए बनवाया गया है और यही वो मकान है जहां पर अभी एक खूबसूरत सा मकान था 2 मंजिला और ये पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। देखिए अब ये पूरा मकान मलबे में तब्दील है। एक और तस्वीर है कि देखिए आसपास के लोग किस तरीके से अभी भी जमींदोज मकान और मलबे के ढेर को देख रहे हैं। तमाम ऐसे लोग भी आपको दिखेंगे तस्वीरों में कि लोग इस पूरी घटना को अपने पास रखे मोबाइल में यादों की तरह सजो कर रख रहे हैं। लोगों की माने तो कहा जा रहा है कि अपराधियों के लिए
बाबा का बुलडोजर जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है अपराधियों के लिए, एक बड़ा संदेश भी दे रहा है कि किस तरीके से जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे डरे सहमे, ताकि इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। क्योंकि बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। जी मयूरी, हमारे संवाददाता पवन पटेल प्रयागराज से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे जहां बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। केंद्र सरकार ने बुधवार को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। नए दामों के बाद यूपी के जिलों में गैस के रेट बढ़ गए हैं। बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 350 रुपए भारी बढ़ोतरी की गई है। वहीं बढ़ती महंगाई पर विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। जी मयूरी, आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन था, जिसमें बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता आज केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। आपको बताएं कि इस पूरे कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में जो आज का धरना प्रदर्शन था, आंदोलन था महंगाई के खिलाफ, इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के साथ प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे मौजूद रहे। और बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का साफ तौर पर प्राइम टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन देश में बढ़ती महंगाई और प्रदेश के अंदर में बढ़ती महंगाई को लेकर है। उन्होंने निशाना साधते हुए स्वास्थ्य मंत्री को कहा कि लगातार उनके तरफ से कहा जा रहा है कि गरीबों को मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था कराई जाएगी, मगर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीजीआई के अंदर में जो टेस्टिंग है उस पर 50% का इजाफा किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन के अंदर में रेटों का इजाफा किया गया, हवाई टिकटों के रेटों में इजाफा किया गया है, दूध के रेट में इजाफा किया गया, रोजमर्रा की जो उपयोग में आने वाली चीजें हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार जो रेटों की बढ़ोतरी है उस पर लगातार कर रही है। इसको लेकर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता थे वो हाथों में सिलेंडर लेकर, प्ले कार्ड लेकर, जिस पर सरकार के जगाने का प्रयास के माध्यम से उन्होंने नेम प्लेट के माध्यम से कई ऐसे चीजों को लिखा कि देश में महंगाई, और साथ ही साथ कई अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने नेम प्लेट लहराया। और मयूरी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि वो उस हाथ में सिलेंडर लेकर और विधानसभा जाए और वहां पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन करें, मगर बात करें तो प्रशासन की वहां तैनाती करके उन्हें रोका गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरा धरना खत्म किया गया। इसमें उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन देकर इस बात की स्पष्टता कराई कि देश और साथ ही साथ प्रदेश में जो महंगाई है उसमें कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए, आम जनमानस इससे परेशान और त्रस्त है। जी वांसु, जैसा आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से कांग्रेसी को रोक दिया गया आगे बढ़ने से, तो क्या जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई को लेकर कांग्रेसी, तो क्या पक्ष की तरफ से या किसी नेता की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है इसको लेकर? जी, अगर बात की जाए तो प्राइम टीवी ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से सवाल पूछा कि आप कांग्रेस के प्रदर्शन पे क्या कहेंगे। उनका साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस पार्टी के पास राजनीति के लिए कुछ बचा नहीं है और कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में अब कोई अस्तित्व नहीं है, और उन्होंने साफ कहा कि 2024 चुनाव भी हम जीतेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के आज प्रदर्शन में अनोखे अंदाज में कांग्रेसी नजर आए। अगर बात की जाए तो उनके हाथों में प्ले कार्ड था जिसपे सरकार से सवाल पूछने का काम किया जा रहा था, साथ ही उनके हाथों में सिलेंडर था। वहीं कांग्रेस पार्टी की महिला नेताओं के द्वारा आज सड़क पर ईंट लगाकर और लकड़ी पे खाना बनाया गया है, और इससे साफ संदेश दिया गया कि प्रदेश और देश के अंदर में महंगाई है। और बात की जाए तो जहां कल घरेलू गैस की कीमतों में 50% इजाफा किया गया, गैसों के मूल्यों में 350 का इजाफा किया गया, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता की जो मुद्दा है उस पर कांग्रेस पार्टी के नेता आज सरकार से सवाल
सवाल पूछते हुए नजर आए। इससे साफ है कि अब कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ लगातार आज दिल्ली में प्रदर्शन की, उसके ठीक बाद प्रदेश में प्रदर्शन की, अब इसमें सरकार का क्या रुख रहता है वो आने वाला समय बताएगा। मयूरी जी, विवांशु, जिस तरह होली से पहले गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, वही कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आगे भी इस तरह हंगामे के आसार जताए जा सकते हैं? जी निश्चित तौर पे, आपने देखा कि होली से ठीक पहले कमर्शियल गैस, दूध और साथ ही साथ घरेलू गैस और तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं जो उनके रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जनमानस कहीं ना कहीं परेशान है, त्रस्त है। और कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बात कहें। वहीं अगर बात की जाए तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले को लेकर कांग्रेस कहाँ तक लड़ाई लड़ती है। जी जी धन्यवाद भिवंशु तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 800 से ज्यादा नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। नई एम्बुलेंस से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें ये जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री मयंकेश्वर ने दी है। बता दें प्रदेश की सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश में नई एम्बुलेंस की सौगात मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को इससे रफ्तार मिलेगी। खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, प्रदेश को नई एम्बुलेंस की सौगात मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश को कुल 800 नई एम्बुलेंस मिलेंगी, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने दी है। और जिस प्रकार से सदन में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव ने तमाम तरह के सवाल उठाए थे, उस पर सरकार ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पहले से बेहतर स्थिति में ही बताया। और ये भी कहा कि जिस प्रकार से पहले जो एम्बुलेंस केंद्र सरकार ने दिया था उसको इन्होंने समाजवादियों का एम्बुलेंस बना के रख दिया था, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, उसको लेकर भी काफी टीका टिप्पणी दिखी। सदन में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, लेकिन इस समय 800 कुल नई एम्बुलेंस ये उत्तर प्रदेश को एक सौगात के रूप में मिलने वाली है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरीजों के लिए काफी लाभकारी भी सिद्ध होगी। मयूरी, विवेक, ये जो नई 800 एम्बुलेंस की बात कही जा रही है, ये सौगात प्रदेश को कब मिलेगी? देखिए बेहद जल्द ही ये 800 नई एम्बुलेंस जो है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। और ये जो नई एम्बुलेंस है और उससे जो है मरीजों को आवाजाही में जो परेशानी होती थी उससे निजात पाने के लिए सबसे उससे जो है मरीज निजात पा पाएंगे। जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में लोग रहते हैं और उसके लिए जो 800 नई एम्बुलेंस की व्यवस्था पूरे प्रदेश भर में की गई है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा कदम है कि मरीजों को 800 नई एम्बुलेंस जो है मुहैया कराया जाएगी। सरकारी अस्पतालों में जो एम्बुलेंस है जो पुरानी एम्बुलेंस है वो बदली जाएंगी और नई एम्बुलेंस उनका स्थान भी लेंगी, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है ये मरीजों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। किसी भी सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है, मरीज को स्थानांतरण करने में भी एम्बुलेंस अहम रोल निभाती है और एम्बुलेंस के होने की वजह से मरीजों की जान भी जो है बच जाती है, इसके लिए एक अच्छा पहल है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मयूरी, विवेक, ये जो 800 नई एम्बुलेंस की सौगात की बात कही जा रही है, लखनऊ के किन किन अस्पतालों में ये सुविधा होगी? देखिए ये प्रदेश के सभी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा होगी। कुल 800 नई एम्बुलेंस है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो है एम्बुलेंस जो है ये तैनात की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में सीएससी से लेकर पूरे प्रदेश में कुल 800 नई एम्बुलेंसों को अलग अलग जिलों में तैनात किया जाएगा, जिसमें सरकारी अस्पताल, सीएससी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बड़े अस्पताल भी शामिल हैं। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।